हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिड टर्म एग्जामिनेशन फॉर 23-24। तो मेरे पास टोटल 16 क्वेश्चन होते हैं बेटा इसमें, जिसमें कि सेक्शन ए में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 12 एमसीक्यू होंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 3z + 10 = 7 को हल बताइए। सिंपल इक्वेशन है, तो सबसे पहले हमें क्या हटाना है, +10 को इधर जाके माइनस कर देना है। 7 - 10 - 3, अब जेड ये 3 इधर जाके भाग में चला जाएगा, आंसर इज -1। सेकेंड है, यदि एक कोण अन्य दोनों कोणों के योग के बराबर है ना, तो ऐसे केस में एक वो अकेला कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण 5x + 5 और 10x - 35 हैं, तो दो आसन कोण मतलब बेटा जो साथ साथ लगे हुए हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इनका टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो हम इन दोनों को जमा कर देंगे, 180 के इक्वल कर देंगे। पहले हम इस तरीके से इक्वेशन बना के 5 और 10 = 15 + 5 = 35 = 30, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। 30 उधर जाके घटा कर देना है, 15x = 150, x = 150/15 यानी कि 10। अब इनमें से बड़ा कौन दिख रहा है आपको, जिसमें 10x के साथ 35 जमा हो रहा है, यहाँ तो 5x के साथ घटा हो रहा था, 5 है ना, और भी कम हो रहा था, तो बड़ा कोण यही वाला है, इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे। 10 × x की जगह 10 रखेंगे, 10 × 10 100 हो गया, 135 हमारा आंसर हो गया। 1799 में एक का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताएं। स्थानीय मतलब प्लेस वैल्यू, तो 1799 में प्लेस वैल्यू 1 की क्या है, 1000, और इसका अंकित मान क्या माना जाएगा, जो इसका अपना वैल्यू है 1, इन दोनों को माइनस करके आंसर 999। एक संख्या 4 पर समाप्त होती है, इसके वर्गमूल में इकाई का अंक तो हमें पता है, या तो 2 को गुणा किया होगा या कोने पे 8 होगा, है ना, तभी हमें इकाई के स्थान पर 4 मिल सकता है। घटा 1000 का घनमूल बताइए, क्योंकि घटा है और घनमूल में 3-3 के पेयरिंग होती हैं, इसका मतलब आंसर में भी आपका घटा का साइन आएगा, तो वो क्या है हमारा आंसर, घटा 10। घटा 10 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें घटा 1000 मिल जाएगा। एन और एन प्लस के वर्गों के बीच गैर पूर्ण वर्ग संख्या क्योंकि क्या संख्या है, सो दिस इज 2n। निम्न में से कौन सा सही है, देखो 5 × 2³, अब इसने क्या किया, सीधा 10³ कर दिया, 10³ ये जब बनता बेटा, जब 5³ भी 3 होता, इसलिए ये गलत है। यहाँ देखते हैं 5 की पावर 0 दिस इज 1 और 200 की पावर 0 दैट इज आल्सो 1, कभी भी पावर 0 हो किसी की तो आंसर 1 होता है, तो दोनों तरफ 1 हो गया, इसका मतलब यही हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट है, कौन से समान लंबाई के रेखाखंड को दिखाता है, समान मतलब दोनों जगह सेम साइन लगे हुए हो, तो बेटा ये देखो यहाँ पे भी 2 साइन बने हुए हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ साइन बना हुआ है इक्वल, लेकिन ये एंगल को दिखा रहा है, तो उसने तो हमें खंड को बोला है ना दिखाने को, तो हमारा आंसर बी हो गया। 6 बजे घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, तो ये प्रतिवर्ती कोण होता है, रिफ्लेक्स एंगल। यदि x और घटा 3 का योगफल 8 है तो x का वैल्यू बताइए, फिर से इक्वेशन हो गई, x + घटा 3 ब्रैकेट में रखेंगे आप, और ये कितना दिया हुआ है, 8, अब जमा घटा को जब सॉल्व करोगे तो ये बन गया x + 3 = 8, x = 11। अपाचे गुणनखंड का वर्गमूल बताइए, वर्गमूल का मतलब हमें 2-2 के जोड़े बनाने, तो इस 2 में से क्या निकला, 1-2, फिर अगले 3 में से क्या निकला, 1-3। अब इसको देखो, पहले यहाँ लाइन खींच लेते हैं, ये बन गया जोड़ा, ये भी है ना, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2 × 3 × 3 × 5 विच इज़ इक्वल टू 90। अब हमारा पार्ट बी शुरू होता है बेटा, जिसमें हमारे पास 6 क्वेश्चन होंगे, आपके पास 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है। किसी धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर के घन को क्यूब को उसी संख्या से भाग करने पर
36 हमें मिलता है, संख्या बताइए। तो आपने क्या मान लिया, संख्या बराबर एक्स। अब क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स का क्यूब किया, घन मतलब क्यूब किया और उसको एक्स से ही भाग कर दिया, उसी संख्या से भाग करना है ना। तो इसको x से ही भाग करा तो हमें 36 मिल जाना चाहिए। अब x का x की एक घात कम हो जाएगी भाग करने पर, तो यहाँ पे बचा x की घात 2 बराबर 36। अब आपको पता है इसका मतलब x इक्वल टू 6 ओनली, क्योंकि सिर्फ जमा का चाहिए हमें बोला है धनात्मक संख्या। एक रैखिक समीकरण को ए एक्स प्लस बी के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ ए और बी अचर हैं। तो इस समीकरण को ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में हमें लिखना है। तो सॉल्व करते हैं बेटा, थ्री ब्रैकेट के बाहर है तो इसे खोलेंगे, 3x माइनस 3 है ना, 3 को 1 से गुणा किया, इक्वल टू 5 गुणा 2x 10x जमा 5। अब लाइक टर्म्स इकट्ठे करेंगे, 10x इधर जाके घटा हो गया, घटा 3 इधर जाके जमा बन गया। यहाँ पे क्या बचा, 3 घटा 10 घटा 7x और यहाँ पे 8। अब हम घटा 8 को भी इसी तरफ ले आएंगे क्योंकि हमें एक तरफ 0 चाहिए। अब घटा आप कॉमन निकाल सकते हो, 7x जमा 8 बराबर 0, ये हमारा आंसर बन गया, इसी फॉर्म में आ गया ना। इसके साथ चॉइस में हमारे पास क्वेश्चन है, इक्वेशन दे रखी है, x की वैल्यू निकालनी है। सो 4x, x के साथ कोई और टर्म नहीं है, सिर्फ 9/2 को हम सबसे पहले उधर जाके जमा कर देंगे। अब ये भी टू है ना, तो सीधा ऊपर जमा हो जाएगा, 15 जमा 9/2 विच इज़ 24/2 यानी कि 12। 4x बराबर 12, x बराबर 12/4 यानी कि x इक्वल टू 3। फोर्थ क्वेश्चन, यदि ये दोनों कोण पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो y का वैल्यू बताइए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसका 90 डिग्री टोटल है, तो इन दोनों को जमा करके 90 के बराबर कर देंगे। मैथ्स में आपको हर क्वेश्चन में इक्वेशन सॉल्व करने को मिलती है बेटा, तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी उनकी होनी चाहिए। 2y + 3y + 5y, 30 + 40 + 70। अब 70 को इधर घटाओगे, पहले 20 बन गया, फिर 5 से भाग कर देंगे, y इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अलग अलग अंकों द्वारा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पहले तो हम ये लिखेंगे, अंक कितने होने चाहिए, 5, लेकिन उसमें कौन कौन से डिजिट होने चाहिए, 3 डिफरेंट। तो हम कैसे बना लेंगे, देखो 9987, तो 3 डिफरेंट अंक कौन कौन से हो गए, 987, लेकिन कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 5 का, इसलिए 9 को हमने 3 बार लिखा क्योंकि सबसे बड़ी संख्या बनानी है। ऐसे ही हम 3 अलग अलग डिजिट से सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, 10,000 होती है ना वैसे तो, लेकिन हमें 3 अलग अलग अंक लेने हैं तो हमने बना दिया 10,023, ठीक है, क्योंकि हम बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। अब इन दोनों को माइनस करना है, आंसर इज 89,964। सरल कीजिए, 96 × 96 −4 × 4 / 92, तो ये क्या बन गया, 96 का स्क्वायर −4 का स्क्वायर / 92। अब ये क्या बन गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, जो कि होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऐसे ही हम यहाँ पे इन दोनों को एक बार जमा कर लेंगे, एक बार घटा कर देंगे, 96 + 4 = 96 - 4। इसमें जब 4 जमा करोगे 100 और इसमें 4 घटाएंगे तो 92। अब 92 से 92 कट गया, आंसर इज 100 ओनली। तो देखो हमें इस तरीके से आइडेंटिटी का यूज़ करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अदरवाइज आपको आंसर में नंबर नहीं मिलेंगे और आपका काफ़ी टाइम भी वेस्ट होगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। जांच कीजिए, क्या यह एक पूर्ण घन है, यानी कि जब भी अब इसके आप भाज्य गुणनखंड करोगे तो वो 3-3 का कॉम्बो बनाएंगे या नहीं। तो भाज्य गुणनखंड करने सबको आते हैं, इसलिए हम जल्दी से कर लेते हैं ये क्वेश्चन। अब 3-3 की पेयरिंग करनी है बेटा, देखो ये 2 का बन गया एक, ये 2 का बन गया, लेकिन ये 2 का नहीं बन पाया कॉम्बिनेशन, तो इसलिए यह एक पूर्ण घन नहीं है क्योंकि ये बना 2 की घात 3 × 2 की घात 3 × 2 की घात 2। सो देयर फॉर इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अब तीसरा सेक्शन हमारा शुरू होता है जिसमें 3 क्वेश्चन है, 3 अंक का एक है। पहला क्वेश्चन अगेन इक्वेशन है,
एक्स वाली टर्म हम पहले इसको इधर लेके आएंगे और बिना एक्स वाली एक तरफ कर लेंगे। सो दिस इज़ 5x माइनस 3/2x माइनस 14 माइनस 7/2। एलसीएम लेंगे इस तरफ, 2 आ जाएगा, 2 को 5 से गुणा कर देंगे, 10x घटा 3x। ऐसे यहाँ पे भी 2 एलसीएम दिख रहा है हमें, तो 14 को 2 से गुणा करेंगे। जिसके पास 2 है ऑलरेडी उसको ऐसा का ऐसे ही रखते हैं ना, तो घटा 28 घटा 7। अब यहाँ पे क्या बना, 10x में से 3x गए, 7x बटा 2, नीचे का 2 से 2 कैंसिल हो गया और ऊपर रह गया घटा 35। अब 7 से भाग कर देंगे, आंसर इज़ -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। तो हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, ए बी सी डी इसका नाम रख दिया। अब इसकी चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो हमें पेरीमीटर 180 दिया गया है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ई डी इज 180। अब आगे कह रहा है एक भुजा दूसरी भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो यानी कि अगर एक एक्स मान ली आपने तो एक क्या होगी, एक्स जमा 10। इसको एक्स मान लिया तो ये एक्स जमा 10 है। और आपको पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब इन चारों को जोड़ के हमारा क्या बन जाएगा, 180। ध्यान से लिख लेना है इन्हें, देखो 4x हो गए और जमा 20 बराबर 180। 4x 20 घटा दोगे 160, 4 से भाग कर देंगे 40, यानी कि एक भुजा इसकी 40 है और एक 50 है। 50 के सामने 50 है, 40 के सामने 40 है। उसने सिर्फ एडजेसेंट भुजाएं हमसे पूछी थी, तो हम 40 और 50 में अपना आंसर लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल बताइए। तो आपको कई बार हम कर चुके हैं बेटा ये क्वेश्चन। इसमें हम क्या करते हैं, और नंबर्स को केयरफुली घटाते जाते हैं जो भी आंसर हमें मिलता है। तो 1 से स्टार्ट किया 168, फिर 3 घटाया 168 में से 165। उसके बाद आप काउंट कर लोगे, अगर लास्ट में आपको 0 मिल जाता है तो ये कितने स्टेप में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका मतलब अंडर रूट 169 इज 13। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।